सीवान में अचानक पूस के दो मकान में भीषण आग लग गई है, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। इस आग लगी की घटना में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। खाना बनाने के दौरान आग की चिंगारी से दोनों मकान में आग लगी थी, जिससे दोनों उसके मकान जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक पूरा जो मकान है पूस का जलकर खाक हो गया था। यह पूरी घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिलहर गांव की है। आगजली से इस घटना में रामशंकर राय और बबीता देवी का पूस का मकान जलकर राख हो गया है। बताया जा रहा है कि जब परिवार की महिलाएं चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी आग की चिंगारी से पूस के मकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और बगल के भी एक मकान को अपनी चपेट में ले लिया। दोनों मकान धू-धू कर जलने लगा, आप वीडियो में देख सकते हैं, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों मकान जलकर राख हो गया था। इस आग लगी की घटना में करीब 4 लाख का नुकसान हुआ है।